ओम श्री गणेश आय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन, यानी कि मकर राशि के लिए, जिसमें हम देखेंगे आपका पर्पस क्या है लाइफ में। जी हाँ, इस दुनिया में आए हैं तो कोई ना कोई वजह जरूर है, कोई ना कोई पर्पस जरूर है। चलिए लेट्स फाइंड आउट। और आगे बढ़ने से पहले, जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए, वो भी स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स कि आप अपने पाथ पे आगे बढ़ सकें। ठीक है, लेट्स बिगिन। कैप्रिकॉर्न, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। पहली बात तो आपका क्या पर्पस है, आपका क्या गोल है। पहली बात तो ये कि आप अपने आप के साथ बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहना। ठीक है, नाउ बिलीव इन हियर एंड नाउ। ठीक है, फोकस ऑन हियर एंड नाउ। मुझे ऐसे लगता है बहुत ज्यादा खोए रहते हैं, बहुत ज्यादा यू नो इधर उधर आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा वॉन्डर करता है। लेकिन यू नीड टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि आप क्या चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। दूसरा ये फीस्ट, ठीक है, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर लाइफ। बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ बिल्ड करना है, लेकिन उसके लिए आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, दैट यू टेक, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। एंड जो है अभी है, राइट नाउ हियर है। अगर आप फ्यूचर के लिए सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा, देन आई डोंट थिंक सो। सो योर पर्पस इन योर लाइफ, द पर्पस इन योर लाइफ इज फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो भी है, आई थिंक देयर आर थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें जा चुकी हैं उनको लेट गो करने का टाइम आ चुका है। लेट गो, ठीक है, जो एंड हो चुका है, जो बरी हो चुका है, जो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, देयर इज़ एनर्जी, आप अटैच्ड हैं, कुछ भी है, बट यू हैव टू लेट गो। ठीक है, नाउ स्पीक अप, अपने दिल की सुनिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से कम्युनिकेट कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 17 वी आर गेटिंग, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। और दूसरा ये, रिलैक्स योर सेल्फ। अगर आप फ्यूचर का सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होते रहेंगे तो आप आज जो चल रहा है आपकी लाइफ में वो कभी भी आप इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या कभी भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डोंट डाउट। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा, आपको लाइक आपको भरोसा नहीं है आप अपनी काबिलियत पर या किसी चीज़ पर कि आप इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे के लिए, आप कर पाएंगे कि नहीं, आगे बढ़ पाएंगे नहीं। ठीक है, यू आर इनफ। आपकी लाइफ का पर्पस है, आपकी लाइफ का ये मिशन है दैट आप जितना ज़्यादा अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है, इट्स अबाउट मेंटली एंड फिजिकली एज वेल। ठीक है, और दूसरा ये मुझे ऐसा लगता है एक कहीं भागना चाह रहे हैं। ठीक है, आप पहुंचना चाह रहे हैं कहीं, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा वरिड है, फ्यूचर के लिए वरिड है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करें, आप अपने आप को इग्नोर करें। एंड तीसरा ये है दैट वी हैव हियर, ठीक है, लाइक कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, लेकिन यू आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, यू नीड टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, राइट। ये देखिए, focus on here and now, nostalgia means like always remembering the past। तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है, चाहे वो आपका गोल है, चाहे वो आपका मिशन है, आप कुछ हीलिंग करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप स्टोर ओपन करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपका कुछ भी, इट्स अबाउट पास्ट से निकलेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है ना, सो दिस शुड बी द पर्पस ऑफ योर लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए, क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स, प्रोजेक्शंस। ठीक है, ओके, बहुत ज़्यादा, आई थिंक बहुत ज़्यादा एक मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सामने होकर भी कुछ सामने नहीं है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ठीक है ना, मतलब इट्स ऑल अबाउट दैट देयर इज समथिंग,
जो आपकी लाइफ में, जो आप अपनी लाइफ में अपने आप को फ्री नहीं महसूस कर रहे हैं, यू हैव टू बी रिसेप्टिव। जितना ज़्यादा आप रिसेप्टिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप करंट मोमेंट पर फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, मुझे ऐसा लगता है, फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। ठीक है, फोकस ऑन हियर एंड नाउ, नथिंगनेस। बहुत ज़्यादा अगर आप ओवर थिंक करते हैं, जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, ओवर थिंक करते हैं, ठीक है, कभी कभी ना सोचना भी बेहतरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करिए। बी प्लेफुल, बी हैप्पी, बी लाइट, बी रिसेप्टिव। ठीक है ना, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। एंड फेस ऑल जो भी फियर्स हैं, जो भी, बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल विद योर सेल्फ। ठीक है, चाहे वो आपके पार्टनर है, चाहे वो आप है, चाहे जो भी है, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट। जो भी सिचुएशन है, ठीक है ना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। सो दिस इज इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।